नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के इस सत्र में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के एक बहुत ही रोचक टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, उसकी लाइफलाइन क्या है, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, ये सब कुछ जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ एक्सपर्ट, उनका परिचय सबसे पहले आप सभी का करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं निपुल यादव, जो कि TGT हैं, GHSS खनवेल, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर फॉर इनवाइटिंग मी। स्टूडेंट्स जी, टुडे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द सर शुरुआत करें, आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि लाइव इंटरैक्टिव सेशन है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने छात्रों को दे दें कि हम हमसे किस तरह से जुड़ सकते हैं, और आपसे अगर उनके मन में कुछ प्रश्न है आपसे पूछने के लिए तो वो भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स और अपने व्यूअर्स को बता दें कि आप हमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के माध्यम से हम तक पहुँच सकते हैं। मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 8800440559, जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो है dth.class10@cit.nic.in। इन माध्यमों से आप हम तक जुड़ सकते हैं। और उसके बाद अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सत्र की शुरुआत करें, और सबसे पहले ब्रीफ में यही बताएं अपने छात्रों को, अपने दर्शकों को, कि दरअसल लाइफलाइन होती क्या है नेशनल इकोनॉमी की। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी द स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा इंडिया इज वन ऑफ द fastest growing economy in the world as India जी sorry अगर मैं कहूँ आपसे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था के आयाम, चाहे बुनियादी ढांचा की बात करें या फिर बुनियादी ढांचा के अलावा, कि भारत के मूल स्रोत क्या हैं अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, GDP की बात करें, तो आप उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं या किस तरह से कैटेगराइज करते हैं? धन्यवाद सर अगेन। आज हम इस लेक्चर में जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, इसको पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मीनिंग क्या होता है और वो किस तरीके से किसी एक देश के इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 डोमेन पर होता है अर्थ के। पहला लैंड, सेकेंड वाटर एंड थर्ड एयर के ऊपर। जो लैंड के ऊपर होता है वो रोडवे, रेलवे एंड पाइपलाइन। वाटर में इनलैंड, जो कि नदियों में होता है या लेक्स पे होता है। ओवरसीज, जो इंटरनेशनली होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में है जी। थर्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन, एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एक देश के अंदर और इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश में, जहाँ हमें पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम आज इसके लेक्चर में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट, कोई भी चीज हमें सारी एक जगह पर नहीं मिलती है। चीजें एक सप्लाई लोकेशन से एक डिमांड लोकेशन तक आती हैं जी। अब हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और हमें मुंबई से कोई सामान चाहिए और हमारे पास समय कम है, तो हम एयरवे का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास समय अधिक है तो हम बाय रोड या रेलवे का यूज़ करेंगे। अगर कोई सामान हमें किसी दूसरे देश से मंगाना है तो हम बाय शिप या का यूज़ करेंगे। right. जैसे आपने देखा कि जो एयरवे है वो सबसे पहले पहुंचा, तो दिस वे द जो एयरवे है वो बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नाउ the pace of development of a nation depends upon the production of goods and services as well as the movement of over space. Right. किसी भी देश का जो development है वो उसके देश के अंदर जो चीजों का जो transportation कितना smooth हो रहा है उसके ऊपर depend करता है। जिस देश में जो movement है fast होगा तो उसका जो development है country का वो उतना ज़्यादा grow करेगा।
नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की मदद से जो एक वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। ट्रांसपोर्टेशन में कम्युनिकेशन की मदद से हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन का हम रनिंग स्टेटस चेक कर पाते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन इंटरनेट कि हमारी ट्रेन कितनी लेट है और कितना समय पर है। तो इसके थ्रू जो कनेक्टिविटी है और जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। पहले जो ट्रेड होता था वो लोकली होता था, बट अभी जो ट्रेड है वो इंटरनेशनली होने लगा है। जो चीज़ें हमारे देश में नहीं मिलती हैं वो हमें दूसरे देशों से भी मिल पाती हैं। बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके काम कर रही हैं, कुछ हमारे देश की कंपनियां विदेश में जाके काम कर रही हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। दिस द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। जी सर, अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं तो हाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कोरिलेटेड, क्योंकि हाँ सर ट्रांसपोर्ट का ही जिक्र चल रहा है, तो ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट कैसे कोरिलेटेड हैं? सर कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन से। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हम ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो कितना डिले है, या हम जो ई कॉमर्स आजकल यूज़ करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह, तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट जो हमने ऑनलाइन शिपमेंट किया था वो कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल हो पाई है। राइट। नेक्स्ट देर आर मीन्स डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट लैंड, सेकेंड वाटर एंड थर्ड एयरवे। नाउ आज के लेक्चर में हम ओनली लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें रोडवे, रेलवे एंड पाइपलाइन है। नाउ लैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली क्या है? फर्स्ट, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर लैंड सर्फेस। ये तीन टाइप का हो सकता है, फर्स्ट रोडवे, सेकेंड रेलवे और थर्ड पाइपलाइन वे। पाइपलाइन वे जरूर इंडिया में अभी एक नया वे है ट्रांसपोर्टेशन का, बट फॉरेन में कंट्री लाइक न्यूजीलैंड ये यूज़ किया जाता है जनरली। नाउ वी सी वन बाय वन। फर्स्ट रोडवे, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत में जो रोड का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जिन्हें हम रोडमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनके अंडर में हमारे देश ने की जो रोड हैं उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। से अगर हम पीछे जाएं करीब 15 साल पहले तो रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट नाउ इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग द नेशनल हाईवे पर डे अबाउट 40 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर कॉस्ट अराउंड 15 करोड़। इंडिया में एग्रीगेट जो रोड का नेटवर्क है वो 62.16 लाख किलोमीटर्स है। डेटा इज अकॉर्डिंग टू 2020 and 2021, अकॉर्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। जी नाउ वी चूज रोडवे ओवर रेलवे, राइट? मतलब रोडवे हैव प्रिसीडेड ओवर रेलवे। रेलवे इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एवरीवेयर इन द माउंटेनियस एरिया, राइट? तो वी सी वन बाय वन। फर्स्ट लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, रोड को बनाना इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पैसा कम लगता है, बट जो ट्रेन है या एयरवे है इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो रोडवे को बनाना इजी है, कॉस्ट कम लगता है। इसके बाद सेकंड
पासिस थ्रू डिफिकल्ट टोपोग्राफी, रोड को बनाना माउंटेनियस एरिया में, हिली एरिया में, वैली में, एज कम्पेयर टू द रेलवे बहुत ईजी है, क्योंकि रेलवे में हमें टर्नल्स बनाने पड़ते हैं, पहाड़ को काटना पड़ता है, बट रोड को हम आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड, मोर यूजफुल इन माउंटेनियस रीजन एंड स्लोपी। अब जो स्लोप होता है वहाँ पर रेलवे को चलाना ये डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए जो रोडवे होता है वो माउंटेनियस और स्लोपी एरिया में वो चल सकता है। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारे घर के पास ट्रेन हो, रेल स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हमें स्कूल से घर जाना है या घर से स्कूल जाना है या मार्केट जाना है, तो हम हर बार ट्रेन असेसिबल नहीं होती है, तो विद द हेल्प ऑफ रोड वी कैन यूज़ इकोनॉमिकली। उसके बाद रोड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, रेलवे एंड एयरपोर्ट, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड डोर टू डोर सर्विस, बट जो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं जो आपके घर से सामान, आपके द्वार से सामान उठाते हैं और आपके जो गेट है वहीं तक वो सामान को पहुंचाते हैं, तो जो रोडवे है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। प्लस लो लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट आता है इसमें, रेलवे में अगर हमें लोडिंग करना होता है तो हमें मशीन्स की ज़रूरत होती है, ट्रेन्स की ज़रूरत होती है उठाने के लिए और अनलोड करने के लिए, बट ट्रक हुआ या छोटे गाड़ी हुई जिसमें हम लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट होता है वो कम आता है। प्लस नेक्स्ट, एक्ट एज ए फीडर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो रोड होता है वो जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है या एयरपोर्ट है, उसको वो फीड करता है, वहाँ से हम रोड के माध्यम से दूसरे इंटीरियर में जा सकते हैं। नाउ वी हैव इंडियन, वी हैव क्लासिफाइड द रोड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, एंड दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मेंटेन बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट होने के कारण जो हमारे जो देश के जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो आपस में जुड़ सके हैं और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ज़्यादा गति मिली है, ज़्यादा स्पीडी तरीके से हो सका है। सेकंड, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे इज मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज CPWD। ये हमारे देश के जो स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, उन स्टेट के जो मेजर सिटीज़ होते हैं उनको कनेक्ट करता है। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट रोड्स ऑफ कंट्री। सेकंड, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे इज़ मेंटेन्ड बाय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड इट कनेक्ट द कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट, सो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट हाईवे और रोड ऑफ इंडिया। फोर्थ, डिस्ट्रिक्ट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट हाईवे कनेक्ट्स द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और मेंटेन बाय जिला परिषद, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोड्स फॉर इम्पॉर्टेंट रोड्स। फिफ्थ, रूरल रोड्स। जो ग्राम पंचायत होती हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पर जो रोड होती हैं जो हमारे गांव को शहरों से जोड़ती हैं उसे हम रूरल रोड्स बोलते हैं। देयर इज लास्ट टाइप ऑफ रोड, दैट इज बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड इज मेंटेन्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन इन द बॉर्डर एरियाज फॉर डिफेंस पर्पस। जी, एक देश की शांति के लिए ये रोड बनाए जाते हैं ताकि कोई हमारा देश
दूसरा देश हम पर आक्रमण वगैरह ना करे। नाउ दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया वेयर यू सी द नेशनल हाईवे नेटवर्क ऑफ इंडिया। इसमें हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को दिखाया है, प्लस जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, प्लस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो कि पोरबंदर से लेके सिलचर और नॉर्थ साउथ श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। ये इस मैप से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज फोकस दिस मैप एंड प्रैक्टिस। जी सर, सड़कों की बात कर रहे थे आप, तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के लिए रूरल एरियाज़ को नेशनल हाईवेज़ या स्टेट हाईवेज़ से जोड़ना कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्या रूरल डेवलपमेंट पर कितना असर डाल सकते हैं? हाँ सर, जो रोड कंस्ट्रक्शन है इसके सर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। जी बट जो डेवलपमेंट है विलेज के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है, और अगर हम विलेज की रोड को डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में एक्चुअल में जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा पॉसिबल। जी 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 सर, उसके बाद इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट टनल, दैट इज अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर्स है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। ये टनल जो मनाली से लेके लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है, जो कि पीर पांजाल रेंज जो है उससे पास होता है, जो कि मीन सी लेवल से 3000 किलोमीटर्स अवव है। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे हैव कंस्ट्रक्टेड सच हाईवे इन द डिफिकल्ट टोपोग्राफी। नेक्स्ट डोमेन वेयर द ट्रांसपोर्टेशन हैज डन, दैट इज रेलवे। रेलवे इज अ प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो देश की जनता है वो रेलवे का यूज़ करती है, एंड नॉट ओनली यूज फॉर पैसेंजर बट रेलवे इज ऑल्सो आर यूज फॉर अदर पर्पसेस लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, एंड रेलवे इज सर्विंग मोर देन 150 ईयर्स। और रेलवे हमारे देश की जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और इट ऑल्सो एक्सीलेट द डेवलपमेंट। नाउ वी सी इंडिया की जो रेलवे ट्रैक है उसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ब्रॉड गेज, जिसकी जो लेंथ होती है, गेज क्या होता है, जो दो पटरियां होती हैं उस दो पटरियों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हम गेज बोलते हैं। तो इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है उसको हम तीन गेज में डिवाइड करते हैं। ब्रॉड गेज, इसकी जो लेंथ होती है दो ट्रैक के बीच में वो 1.67 मीटर्स की होती है, इसकी इंडिया में टोटल जो लेंथ है वो 63,950 किलोमीटर्स टोटल लेंथ है। मीटर गेज 1 मीटर की होती है, जिसकी इंडिया में टोटल लेंथ 2,402 किलोमीटर्स है। थर्ड नैरो गेज, इसकी लेंथ 0.762 मीटर से लेके 0.610 मीटर्स तक होती है। इंडिया में इसकी लेंथ 1,604 किलोमीटर्स की है। तो इंडिया में टोटल जो रेलवे ट्रैक की जो लेंथ है वो 67,956 किलोमीटर्स है। रिसेंटली जो मीटर गेज और नैरो गेज जो हैं उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रॉड गेज में, क्योंकि ब्रॉड गेज जो होती है वो इलेक्ट्रिफाइड गेज होती है। अब इंडियन रेलवे को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहले इंडिया में 18 जोन्स हुआ करते थे, अभी रिसेंटली कोकण को भी एक नया जोन बनाया गया है, तो टोटल अभी 19 जोन हो चुके हैं। दिस मैप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। द स्टूडेंट काइंडली प्रैक्टिस दिस मैप। नाउ
इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। ये हमारे देश के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। भारत की जो पहली जो ट्रेन थी वो मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में अंडर द ब्रिटिशर्स, एंड इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पाइपलाइन वे, पाइपलाइन मोड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है जब हम रोड से करते हैं या फिर रेलवे से करते हैं तो उसमें डिले होने का चांसेस होता है, बट बाय द पाइपलाइन अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो विदाउट डिले चीज़ें हो पाती हैं। हाँ, इसको लाइक करने के लिए, बनाने के लिए इसका जो कंस्ट्रक्शन आता है वो थोड़ा हाई होता है, बट वंस इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इसका जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। प्लस जैसे कि उन्होंने बताया कि जो शिपमेंट होता है वो डिले नहीं होता है पाइपलाइन में, चीज़ें स्मूथली चलती रहती हैं, और जो लीकेजेस वगैरह अगर होते हैं तो वो भी इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इंडिया में जो फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन वे है वो HVJ है, जो कि गुजरात में हजीरापुर, विजयपुर और जगदीशपुर को जोड़ती है, जिसका जो टोटल लेंथ 1700 किलोमीटर्स था, इसको अभी एक्सटेंड किया गया है 18,500 किलोमीटर्स तक। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्टेशन इन दिस लेक्चर। नाउ आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम। पहला असाइनमेंट है, फाइंड आउट द करेंट रेलवे जोन एंड इट्स हेडक्वार्टर एंड लोकेट द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे जोन इन द मैप ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, आप जिस भी राज्य में आप हैं और जहाँ पर भी आप हैं वो किस रेलवे जोन में आता है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसको आप मैप में लोकेट करिए। इट विल हेल्प यू फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड असाइनमेंट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवे डेट क्रॉस थ्रू योर स्टेट एंड ऑल्सो नोट डाउन द नेम ऑफ द सिटी डेट आर कनेक्टेड थ्रू देम। मतलब आप जिस भी राज्य में हैं उस राज्य से कौन कौन से नेशनल हाईवे हमारे क्रॉस होते हैं उनका लिस्ट बनाइए, और वो कौन कौन से शहरों को जोड़ते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए और मैप में इसको प्रैक्टिस करिए। इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सर। जी सर, क्योंकि हमने तमाम जो मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, डिफरेंट मीडियम हैं रेलवे और रोड या वाटर, इन सभी की बात की, और इसमें आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कही कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लेटरल जो प्रोजेक्ट है भारत का, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसने बहुत बूस्ट दिया है इंडियन इकोनॉमी को। चाहे हम बात करें मुंबई से कोलकाता, मुंबई से दिल्ली, और दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, और वापस चेन्नई से मुंबई, तो ये चार जो मेट्रो सिटीज़ हैं, चार अलग अलग डायरेक्शन में है देश के। दिल्ली उत्तर में है, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई, तो ये तमाम बड़े शहरों को जोड़ते ज़रूर हैं। और उसके बाद फिर हमने, आपने बात की जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से नेशनल हाईवेज़ का निर्माण होता है। NHAI है, ये नेशनल हाईवेज़ का निर्माण करता है और तमाम बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, और निश्चित तौर पर ये रूरल इकोनॉमी को या अर्बन इकोनॉमी या फिर जो टाउनशिप्स होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पर बूस्ट मिलता है और यही लाइफलाइन है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी, जो आज का टॉपिक भी है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में या किसी के मन में भी उठ सकता है, क्योंकि जब बड़ी परियोजनाएं, बुनियादी ढांचा की परियोजनाएं चलाई जाती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनसे एनवायरनमेंट को क्या चैलेंजेस आते हैं, और एनवायरनमेंट को जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे टैकल किया जाता है? सर देखिए, ट्रांसपोर्ट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और एक कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर,
डेफिनेटली तो अगर हम डेवलपमेंट को स्पीडी करना चाहते हैं तो जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा जो रोड है, जो रेलवे है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना हो, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, और इसी वजह से जो बुनियादी ढांचा की परियोजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं हैं, उनको जब डेवलप किया जाता है तो अब सरकार का फोकस ये भी होता है कि दोनों तरफ ग्रीनरी यानी ग्रीन बेल्ट जो है उसको, उसके लिए भी एक तय एरिया निर्धारित होता है, तय क्षेत्र निर्धारित होता है जहाँ वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर होता है, ताकि जो नुकसान किसी सड़क के बनाने की वजह से पेड़ों के कटने के कारण हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके, और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके, ताकि भारत एक तरफ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े ज़रूर, लेकिन किसी कीमत पर नहीं, पर्यावरण की कीमत पर नहीं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की कीमत पर नहीं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत अहम है, और एक बहुत अनूठा प्रयास किया गया था, जैसा कि आपने बताया कि भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं उनको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनको रोडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है, क्योंकि उनकी जो परियोजनाएं हैं वो बहुत तेज़ी से धरातल पर उतर रही हैं, और उनकी परियोजनाओं में जिस तरह का प्लान तैयार किया जाता है उससे बेहतर वो उसका रिजल्ट सामने आता है, यानी डीले नहीं होता, सड़कों की गुणवत्ता अच्छी होती है। एक बहुत अहम चीज़ थी कि जब भी इस तरह के बड़े जो हाईवेज़ बनाए जाते हैं तो उसमें कई बार होता है कि साइड में आपको बैरिकेड लगाने पड़ते हैं, ताकि बाहर से कुछ अंदर ना आ सकें जानवर या गाड़ियाँ, और अंदर से गाड़ियाँ भी बाहर हर जगह ना उतरें, तो एक्सीडेंट्स के खतरे कम रहते हैं। तो इसके लिए बांस के प्रयोग किए गए कि बांस का वो बैरिकेड बनाया जाएगा, स्टील या एलुमिनियम का नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रयोग था, और भारत सरकार की तरफ से ये प्रयोग किया जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने शेयर की हमारे छात्रों से, हमारे दर्शकों के साथ। सर, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अब समय हो रहा है विदा लेने का अपने छात्रों और दर्शकों से। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में अपने छात्रों को? मैं सर बस यही कहना चाहूँगा, जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे देश को स्पीडी तो देता ही है, तो हमें डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से करना है कि पर्यावरण को हार्म ना पहुँचे जी, और चीज़ें सस्टेनेबल रहें, और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उस चीज़ उनको कुछ अफेक्ट ना हो जी, उसके लिए बेहतर फ्यूचर देकर के हम जाएं। जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े थे निपुल यादव सर, का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। और चलते चलते आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने नए पाठ्य सत्र के लिए पुस्तकें नहीं प्राप्त की हैं अब तक, तो अभी भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं, आप पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग माध्यम हैं, और आप सेल्स काउंटर से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में। और ये सेल्स काउंटर्स सप्ताह के सातों दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुले रहते हैं, और आप ऑनलाइन बुक्स प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, और पता है इसके लिए ncertbooks.gov.in, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF वर्जन, सॉफ्ट कॉपी। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग ऑन करना है हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर, जो है NCERT, ई पाठशाला और दीक्षा। तो इन पुस्तकों को प्राप्त करिए अगर आपने अब तक नहीं ली हैं, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और लगातार ई विद्या के साथ जुड़े रहिए शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए। हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो है हमारे जो अगले दर्शक अगले सत्र के लिए, वो है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री Part 2 फॉर क्लास 10। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का ये सत्र देखने के लिए शुक्रिया।